कर रहा है देवानंद? ये आ गया। ए जी, एक बार देव से बात करके तो देखिए ना। हाँ? हमको कुछ भी नहीं कहना देव से। काहे कहे भाई, काहे के लिए कहे? कहा बात करे देव से, वो हम पर विश्वास करे, भरोसा करे तो बात किया जाए ना। हाँ जी। उसको क्या लगता है कि हम झूठे हैं, हम मक्कार हैं, जालसाज हैं, षड्यंत्रकारी हैं? और तो और, हमको पिता समझता ही नहीं है। ए जी, दुखी मत होइए। दुखी ना हो तो क्या करें हम? हमको कुछ नहीं कहना है भाई, उससे कुछ नहीं कहना। जोगेश्वर बाबू, देव बेटा को बता तो दीजिए, उसके बाद फैसला उसके ऊपर। क्षमा करिए जसवाल जी, हमको कुछ नहीं करना, उससे नहीं होगा। क्या बात है, क्या बात है जो आप नहीं कहना चाहते? अरे बेटा, वो बस एक शब्द नहीं बोलोगी तुम? ठीक है, सीधे सीधे कहिए ना, बात क्या है? बोलिए। ठीक है, इतना पीछे पड़े हो, कह रहे हो, इसीलिए हम तुमको बता देते हैं। लेकिन सुनो ध्यान से, इसमें हमारा कोई फायदा नहीं है ये जो हम बात बताने जा रहे हैं। इसमें सिर्फ तुम्हारा फायदा है, इतना भी हमारा फायदा नहीं है। हाँ, सीधा सा बात, नहीं पहले बता देना, ठीक है? बात में इल्जाम हम पर लगाओगे। तेजस्वनी ट्यूटोरियल वाला लोग है, जानते हो, वो सब मिला था हमसे, बातचीत हुआ, और बातों बातों में मतलब उनको कहीं से पता लगा है भाई कि तुम जो हो कोचिंग सेंटर खोलना चाहते हो, वो लोग तुमको अपना कोचिंग सेंटर में पार्टनर बनाना चाहते हैं। ये बात वो लोग हमसे कहा है, हम नहीं कहे। हाँ हाँ, नहीं, हम किसी का पार्टनर वार्टनर नहीं बनना चाहते। जरूर इसके पीछे उनका कोई मकसद होगा, वरना कोई क्यों अपने जमे जमाए बिजनेस में हमें अपना पार्टनर बनाना चाहेगा? हमें ऐसी क्या बात देख ली उसने? हम पहले ही बहुत धोखा खा चुके हैं और नहीं खाना चाहते। ये बात हम जानते थे बेटा कि तुम ऐसा ही सोचोगे। हम कहते कि नहीं कहते जसवाल जी कि हम जब ये बात बताएंगे तो देव ऐसा ही सोचेगा, ऐसा ही रिएक्ट करेगा? हम कहते ना आपसे, कहे कि हमारा बेटा है भाई, हम इसको अच्छा से जानते हैं, हम नहीं जानते तो कौन जानेगा? बेटा एक बात हमारा सुन लो, जब वो लोग हमसे ये बात कहा ना तो ठीक से जमा नहीं, इसलिए हम उन लोगों को अपना घर में बुला लिए हैं। तुम और वो लोग सामने सामने बैठ के सीधा सीधा बात कर लेना, समझ में आए तो ठीक है, नहीं तो कोई बात ही नहीं है। अब बेटा क्या है कि किसी को मना करने में सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट लगता है, एक बार सुन तो लो कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। समझ में आता है तो ठीक है, नहीं समझ में आता है तो इनकार कर देना भाई। अब कोई जबरदस्ती थोड़ी ना है, कोई पीछा थोड़ी ना पड़ा हुआ है कि नहीं? सही है, सही कह रहे हैं। ठीक है कि तुम एक बार धोखा खा लियो, लेकिन भाई दुनिया में सबे लोग चालबाज थोड़ी ना होता है, ऐसे मान के चलोगे क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता है। बाबूजी एक बात बताइए, पूरे जमशेदपुर में उन्हें सिर्फ हम ही क्यों दिखे? सही बात, सही प्रश्न है भाई, ये बात है। वही बात आपको क्या लग रहा है हम नहीं सोचे थे? तो इसका जवाब ही है बेटा, जो हमारा एक्सपीरियंस है, लाइफ का अनुभव है, कि कभी कभी कोई चीज जो होता है बड़ा संयोग से बैठ जाता है, जम जाता है, भगवान करता है, पॉजिटिव हो जाता है। अब बेटा हमारे लिए ना सही, अपनी माँ के लिए ना सही, लेकिन आप पायल बहू के लिए तो सोचो कुछ। तो भाई इसीलिए हम क्या कह रहे, उन लोगों को आने दो,
आमने सामने बैठ के वो लोग जो कहना चाह रहे हैं वो सुन लो। जम जाता है तो वाह वाह, नहीं जमता है तो वो अपना रास्ते, तुम अपना रास्ते, कौन दौड़ रहा है तुम्हारा पीछे पीछे। ठीक है, अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे। समय आने पर गधा को भी बाप बनाना ही जोगेश्वर प्रसाद को अच्छा, खूब अच्छा तरीके से आता है। तुम तो बेटा हमारा। संतोषी जी, एक बार ना ये टाका सही से बैठ जाए ना, फिर पता नहीं क्यों सर में दर्द हो रहा है। पहले हम चाय बना लेते हैं। भाभी जी, आज आप जल्दी आ गई। आपने सवेरे जो जो कहा था सब्जी काट के रखने के लिए, हमने सारा काट दिया है। ठीक है, इसे काटने के बाद आप गोभी भी काट लीजिएगा, हम वो भी बना देंगे। लेकिन उससे पहले हम चाय बना लेते हैं, फिर खाना बनाना शुरू करते हैं। जी भाभी। अरे बहू, तुम आ गई। अरे तुम चाय बना रही हो? अरे चाय के साथ तो नाश्ता भी लगेगा ना। हाँ बताओ भला, ऑफिस से थका मारा आई हो, आते ही रसोई में आ गई हो। अरे बेटा क्या जरूरत है इस सब का, हम है ना, हम सब संभाल लेंगे, तुम जाओ आराम करो। नहीं माँ जी, आप रहने दीजिए, हम कर लेंगे, आप क्यों परेशान हो रही हैं? अरे बेटा इसमें परेशान होने वाला क्या बात है। अरे बसंती, पानी में चाय पत्ती डालो, हम नमकीन निकालते हैं। हाँ नमकीन नाश्ता के लिए। अरे बेटा चाय नाश्ता बनाना कोनो बड़ा बात थोड़ी ही है। हाँ बड़ा नहीं है, झुमका बड़ा है जी। मतलब हम कुछ समझे नहीं। लगता है ये डायन गुलकंद झुमका के बारे में सब बोल देगी, और हम पायल बहू के वेतन के बारे में क्या सोचते हैं वो भी बता देगी। हाँ नहीं तो देवरानी जी, हमारा बात समझने के लिए तुमको चाय का जरूरत पड़ेगी। कड़क चाय पियो, कड़क। काहे कि इतना बड़ा माथा पच्ची वाला परिवार से पाला जो पड़ा है तुम्हारा, है कि नहीं? चल हम अपना बच्चा लोग अब भैया भाभी के साथ बाहर जा रहे हैं, रात को लौटेंगे। तब तक के लिए तुम अपना आदर्श बहू बनने का तमाशा जारी रखो। राम मिलाई जोड़ी, एगो आनहर एगो कोढ़ी। हो? हो? ए बहू, तुम ना गुलकंद की बात पर भरोसा मत करना, ये खाली घर फोड़ना जानती है। हाँ माँ जी, देव जी आ गए क्या? हाँ बेटा, वो तो कभी का आया हुआ है। ठीक है तो हम उनके लिए भी चाय ले जाते हैं, फिर आके खाना बना देंगे। ठीक है बेटा, जैसा तुम्हारा मर्जी। Thank you.
सुई में धागा डाल रहे थे, डलने ही वाला है। इसकी क्या जरूरत थी पायल जी? पायल जी आप रहने दीजिए ना, ये हम कर लेंगे। भैया जी। हाँ 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 बसंती। कुछ लोग आपसे मिलने आए हैं, कोई कोचिंग सेंटर वाले हैं। हाँ ठीक है चलो हम आते हैं। भैया जी हम आपको बताने वाले थे, वो तेजस्विनी कोचिंग सेंटर नाम का एक इंस्टीट्यूट है यहाँ पर, उनके जो मालिक हैं उन्होंने बाबूजी को ऑफर किया है कि वो हमें अपने बिजनेस में पार्टनर बनाना चाह रहे हैं। अरे वाहदेव जी ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ लेकिन हमें सही नहीं लग रहा है, हमें लग रहा है बाकी लोगों की तरह ये भी आपके पद का फायदा उठाना चाह रहे होंगे। हमने बाबूजी को मना कर दिया था लेकिन बाबूजी कह रहे हैं कि एक बार बात करके देखना चाहिए हमें। देव जी पिछली बार आपके साथ जो हुआ हम समझ सकते हैं, उससे आप बहुत परेशान हैं और सतर्क भी, पर ये अच्छी बात है। लेकिन हमें लगता है कि एक बार आपको बाबूजी की बात मान लेनी चाहिए और चल के बात कर लेनी चाहिए, फिर आपको पता चल जाएगा कि क्या सही है और क्या गलत। जी चलिए।
आओ आओ बेटा, आओ बहुआ, आ जाओ आज। अतुल जी, ये हमारा बेटा देव है और ये बहू पायल है। बैठ। बाबूजी ने बताया आपके ऑफर के बारे में, हम सच जानना चाहते हैं कि आखिर आप हमें पार्टनर क्यों बनाना चाहते हैं? आपके इस ऑफर के पीछे असल वजह क्या है? देखिए देव जी, मैं एक इस बारे में, एक मिनट बेटा, हम समझाते हैं। देखो बेटा, देव ऐसा है कि हम हर बार जो सोचते हैं वैसा हो जाए, ये कोई जरूरी नहीं है। ये हमारा तजुर्बा है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं कि हम आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने बिजनेस में तरक्की करना चाहते हैं, पर हम ये भी जानते हैं कि तुम्हारे जैसा नौजवान और अपने धुन का पक्का इंसान अगर हमारे बिजनेस में हमारा साथ दे दे तो बहुत अच्छा होगा। साथ ही आप जोगेश्वर जी के बेटे हो, एक कोचिंग सेंटर से पढ़े हो और अब आप अपना कोचिंग सेंटर खोलने की तमन्ना रखते हो, ये सारी बातें हमारे लिए काफी हैं। एक बात और है देव बेटा, सारी चीजें होते हुए कहीं ना कहीं कोई कमी है जिसके कारण लाख कोशिशों के बावजूद हम अपने कोचिंग सेंटर को और आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। इसीलिए हम चाहते हैं कि आप हमारे पार्टनर बन जाए। और हां, अगर आप हमारा साथ दे दें तो हमारा ये तेजस्वनी ट्यूटोरियल और भी तेजस्वी हो जाएगा। बस अब इस बारे में आप क्या सोचते हैं ये आप हमें बताइए। पायल जी, आपको क्या लगता है? जी, हमें तो इनकी सोच नेक ही लग रही है। देखा देव बेटा, आपकी पत्नी को भी हमारी डील पसंद आई है। वैसे आप करती क्या है? जी, हम पीडब्ल्यूडी में इंजीनियर हैं। अरे वाह, पीडब्ल्यूडी में इंजीनियर, ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे आपके बारे में जानकर पायल जी, हमारे मन में एक विचार आया है। आप अपने पति के काम में थोड़ी सी मदद क्यों नहीं कर देती? जी, कैसी मदद? देखिए, आप पीडब्ल्यूडी इंजीनियर हैं, आप हमारे कोचिंग सेंटर को प्रचारित करेंगी तो और भी अच्छा होगा। आप एक अच्छी मार्गदर्शक बन सकती हैं और इससे अच्छे स्टूडेंट भी मिलेंगे। शायद इस तरीके से सीधे तौर पर ना सही, लेकिन हम देव जी की मदद कर सकेंगे। माफ कीजिएगा अतुल जी, हमें आपका ऑफर मंजूर नहीं।